सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्लॉगिंग मेडिको। तो गाइस आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ। यहाँ से साढ़े तीन घंटे का रास्ता है अप्रॉक्स, और हम लोग वही हमारा ग्रुप जो है वही जा रहा है। तो चलते हैं, चलो दिखाएंगे रास्ते में क्या क्या होता है। तो गाइस हो गया सफर शुरू, और टाइम देखो कितना हो रहा है, 3 बजने वाला है बस, और हम निकल चुके हैं चोपटा के लिए। और ये एवरीवन इन द हाउस, पहचान लो कौन कौन है। मैं कौन है? मैं वो है परीक्षित, बाकी तो सब जानते ही हो गया। ये लो मेरी सीट में बैठ गया भाई। काली देवी माँ का मंदिर है ये, देखो। देखिए आप दिखाइए, ये देखिए, यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी करते हैं गर्मियों के समय, वहाँ से छोड़ कर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स नए अपडेट, रास्ते में बारिश होने लग गई यहाँ पर, और मस्त हो गया मौसम, अब बिल्कुल मज़ा आ रहा है। पहले गर्म होता है बहुत ज़्यादा, अब गर्म नहीं हो रहा बल्कि मज़ा आ रहा है। अब पहुँच चुके हैं हम अगस्त मुनि में, और यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए रुके हैं। हम फोटो नहीं खींचा पाए, फोटो इसलिए नहीं खींचा पाए क्योंकि बारिश हो रही है। आते समय लुकेंगे अगस्त मुनि, तब जरूर खींचाएंगे फोटो। तो गाइस ये अगस्त मुनि, तो फ्रेंड्स अपडेट अभी की ये है कि हम भीरी पहुंच चुके हैं, और टाइम हो रहा है 4:45। अब दिक्कत ये हो गई है कि आगे है रास्ता बंद, और इसलिए हमको जितने जो चाय रास्ता है वो इधर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हम बाईपास पकड़ेंगे। और बाकी लोग उतर गए हैं और मैं बस अभी हम भी उतरते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है यार, ये बारिश गलत हो गई। थोड़ी देर के लिए बारिश सही थी, गर्म हो रहा था अब, लेकिन ट्रिप ख़राब जैसी हो जाएगी अगर बारिश हो जाएगी, इसलिए बारिश नहीं होनी चाहिए, ये हम दुआ करते हैं भगवान से। तो गाइस जो मेन रास्ता था वो था जाम, इसलिए हम लोग अभी बाईपास से जा रहे हैं भीरी से होते हुए। देखो रास्ता बहुत सही है, लेकिन गाइस ये देखिए व्यू, गर्मी का मौसम है लेकिन देखिए कोहरा लगा हुआ है हर जगह, और बस तो ठंडा हो रहा है। आप भी आइए उत्तराखंड। पूरे जंगली रास्ते चल रहे हैं, चारों तरफ दोनों तरफ जंगल है, ये देखो अंधेरा बिल्कुल, पूरा घना जंगल है ये, और ये भी ऊपर भी, और हम बीच में विराने चल रहे हैं, लेकिन रोड बहुत अच्छी है। चोपटा पहुंचने वाले हैं बस अब, और हमने कोई रिजॉर्ट तो बुक किया नहीं पहले से, तो इसीलिए वहीं जाके देखेंगे, जो भी मिलेगा उसमें रह लेंगे। बाकी अब बारिश बंद हो चुकी है, कितना बज रहा है, 7:20 हो रहे हैं, तो 7:20-25 तक पहुंच जाएंगे हम लोग। तो फ्रेंड चोपटा पहुंच चुके हैं,
और चोपटा से 3-4 किलोमीटर पहले उतर गए हम लोग, क्योंकि हमने कुछ रिजॉर्ट बुक नहीं करा। अब देख के आ रहे हैं रहने की जगह यहाँ पर मिलती है तो अगर हमको सबके आ रहे हैं। लेकिन और यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा, अंधेरा हो रहा है पूरा, इसलिए मैं दिख नहीं रहूँगा। चलो लगा दी सनलाइट। तो हम लोग अपने रहने के ठिकाने का तलाश कर रहे हैं, तो एक दो जगह बात करिए, अभी देखते हैं कुछ मिल जाएगा तो उसके बाद करवाते हैं टूर। कुछ भैया के जो हमारे जो ड्राइवर हैं, उनके जान पहचान के भैया हैं कुछ यहाँ पर, वो लोग करवा रहे हैं अरेंजमेंट। वो भी श्रीनगर के ही हैं भैया, इसीलिए महंगी होते हैं। फ्रेंड्स एक लफड़ा हो गया है, लफड़ा ये हो गया कि यहाँ जो रूम है ना, वो जो बोल रहा है वो 2000 पर नाइट, 1500 पर नाइट, 1000 रुपये 12000 पर नाइट, मतलब पर पर्सन, वो भी 1%, इससे ऊपर से नीचे बात नहीं हो रही है। तो अब एक बार चोपटा में जाते हैं, चोपटा में देखते हैं। तो फ्रेंड्स मिल गया हमको रूम, चोपटा में तो नहीं मिला, चोपटा से थोड़ा आगे कुछ 4-5 किलोमीटर आगे है जगह, कोई जगह का नाम मेरे को भी नहीं पता है। तो वहाँ हमको रूम मिल गया, हम कुछ कुछ खा के आते हैं यार, बहुत भूख लग रही है। चलो ये अपने पास अपने साथ वही अलग रोटी। हाँ अपने बैग में हटा लो वहाँ से। क्यों वहाँ से? गाड़ी से मतलब। तैयार हो कल चलने के लिए? ऑलरेडी कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे उठ जाएगा 3 बजे तू? ऑलरेडी ना रेडी। कमल नहीं, कमल अंकित क्या, अमित निश्चय सुयश परीक्षित क्या हो गया? और हाँ ठंड भी बहुत हो रही है यहाँ पर यार, बहुत ठंड है यहाँ पर। मई के महीने में इतनी ठंड मैंने सोचा नहीं था कि होगी यहाँ पर। अब कल ट्रैक चढ़ना होगी 3 बजे, तो इसीलिए अच्छे खासे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स प्लेट लग चुकी है, अब खाने के लिए वेट कर रहे हैं बस। ऐसा क्या मंगाते तूने भाई? यहाँ पर जो रेस्टोरेंट वाला है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल हल्ला नहीं करने दे रहा हमको, कुछ बोलने भी नहीं दे रहा कुछ भी। उसके बाद 2 चम्मच साफ आ जाएगा। अलिंदा मनी 3 बजे आएगा। 2 बजे तो सोते हैं होस्टल में, तो 2 बजे सोते हैं। सबने पनीर, सबने पनीर मंगाया, डाला कोटी साहब ने करेला, फिटनेस फ्रीक इंसान करेला मंगाया, और वो देखो जरा चिराग आदमी है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं स्वैग से करेंगे। देखो भाई पनीर तो प्याजा सबने खाएगा, पनीर 3 प्याजा आज हम खा रहे हैं। रोटी भी ले आना भैया, थाली मतलब चावल भी ले आओ, नॉर्मल थाली नहीं, थाली थाली मत लेना, थाली का नहीं, 50 रुपए की थाली में है। हां थाली भी, 2 पनीर मंगा लिए, थाली मंगा ले, और हम तो गायब है ऐसा ना मैं के गाइस पनीर का डिवीजन देख रहे हो, मैं गिन गिन के बिल्कुल, मैं एक ज्यादा ना चल जाए, एक उसके ऊपर कम ना चल जाए। फ्राइड राइस ले आओ भैया,